नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे CEMEMA 202 फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन सब्जेक्ट के ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम देखेंगे मल्टी स्टेज पंप कैसे कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, पंप को कई सारे पंप्स को अलग अलग श्रेणी क्रम में लगा दिया गया है। इसमें सबसे पहले ट्रांसफ़र पैसेज है जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। नंबर 1 जो है वो ट्रांसफ़र पैसेज है, नंबर 2 जो है वो डिलीवरी है, नंबर 3 जो है वो शाफ्ट है, नंबर 4 है वो इम्पेलर है, 5 इज़ गाइड वेन, 6 है सक्शन और 7th है की। किसी भी मल्टी स्टेज पंप द्वारा उत्पन्न हेड को इम्पेलर की रिम स्पीड से बताया जाता है। जब हमें हेड बढ़ाना होता है तो रिम की स्पीड को भी बढ़ाते हैं, और रिम की स्पीड डायमीटर और घूर्णन चाल पर निर्भर करती है। इन दोनों की सीमाएं प्रतिबलों के कारण निश्चित हैं, इसलिए इसका नाम हम एक लिमिट से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। अब ज़्यादा हेड प्राप्त करने के लिए हमें मल्टी स्टेजिंग करनी पड़ती है, कई सारे एकल श्रेणी पंप्स को एक के बाद एक लगाना पड़ता है। 100 मीटर तक का हेड हमें सिंगल पंप से मिल जाता है, तो जितना चाहिए उसके मल्टीप्लाई में हमें मल्टी स्टेज से मिल जाता है। एक मल्टी स्टेज पंप में 2 या इससे अधिक इम्पेलर लगे होते हैं। केसिंग कॉमन होती है और ये सीरीज़ में लगे होते हैं। एक इम्पेलर से बढ़े हुए दाब वाला पानी दूसरे में, दूसरे वाला तीसरे में जाता है, और अंत में हमें गाइड वेनों से घिरे रहने वाले प्रणोदक से या इम्पेलर से अधिक अमाउंट में पानी प्राप्त होता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य गतिज ऊर्जा को दाब ऊर्जा में बदलना होता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज दिखाई हुई है, और तीनों स्टेजों में धीरे धीरे एंड में प्रेशर आपको टोटल हेड ज़्यादा मिल रहा है, मतलब प्रेशर बहुत बढ़ गया है, ये इसके अंदर दिखाया जा रहा है। ये मुख्यतः 700 मीटर तक शीश दे सकते हैं। 8 से 80 लीटर प्रति सेकंड डिस्चार्ज हो सकता है, और 2 से 10 तक इसके अंदर इम्पेलर काम में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं रोटरी पंप्स। रोटरी पंप्स कई प्रकार के हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट डिलीवरी एंड वेरिएबल डिलीवरी टाइप के। इनमें से जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं वो है गियर पंप और वेन टाइप पंप। तो गियर पंप हम देखें, ये आपको दिख रहा है, इसमें स्पर गियर लगे होते हैं। इसमें एक सक्शन सेक्शन होता है और एक डिलीवरी चैम्बर होता है। ये कॉमन केसिंग के अंदर लगे रहते हैं। एक गियर को चलाने वाले को ड्राइविंग, दूसरे को ड्रिवन कहते हैं। ड्राइविंग शाफ्ट के साथ चाबी लगाकर इसको चलाया जाता है, उसके कॉम्बिनेशन में दूसरा वाला भी घूमता है। तेल या द्रव जिसको भी पंप करना होता है उसको हम केसिंग के बीच में, दांतों के बीच में भर देते हैं, और एक गियर पंप लगभग 130 बार तक का प्रेशर दे सकता है, परंतु भरण क्षमता के अनुसार ये 30 बार ही उत्पन्न करता है। इसके मुख्य कार्य मशीन टूल ड्राइव, ऑयल प्रेशर गवर्नर और ल्यूब्रिकेशन हाइड्रोलिक कंट्रोल में किए जाता है। नेक्स्ट है वेन टाइप पंप। ये घूर्णी चकती या रोटेरी चकती होती है, डिस्क होती है। इसमें खांचे या स्लॉट होते हैं और स्लाइडिंग ब्लेड्स लगी होती हैं। एक केसिंग लगी होती है जो ड्राइविंग शाफ्ट को इसेंट्रिक में होती है और घूमने में मदद करती है। वेने त्रिज्य रूप से स्पाइरल गति करने के लिए स्वतंत्र होती हैं, और द्रव उसकी साइड और खोल के मध्य आ जाता है, वेनों में मध्य में भर जाता है। इसे बल लगाकर बाहर भेजा जा सकता है। वेन पंप भी एकल पंप की तरह ही मल्टी स्टेज हो सकते हैं। इसमें 16 से 68 बार तक का प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, और लगभग 40 बार भी उत्पन्न किया जा सकता है, 140 बार तक जा सकते हैं। मशीन औजारों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और औद्योगिक उपकरणों में भी इसका प्रयोग होता है। इस लेक्चर में